MC Stan is one of the most influential rappers in Desi Hip Hop. And हाँ, MC Stan और प्रखर के प्रवचन की वजह से आज मेरे पास एक जॉब है. तो ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि यार मैंने इंटरव्यू कैसे क्लियर की बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ MC Stan एंड प्रखर के प्रवचन. हम आपसे हेलो करना चाहते हैं भाई और बहनों, मित्रों और मित्रनियों. Exactly. तुम मेरे लिए वोट करो, बाकी हम देख लेंगे दोस्त. तो यार स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है. MC Stan हम सब सुनते थे, कापर है घर उसका कापर है, वही कापर है भाई, मैं भी ढूंढ रहा था भाई घर उसका. बट यार ये सब गाने सुन के MC Stan का बहुत बड़ा फैन हो गया था मैं. एंड मैंने सडनली एक प्रीमियर देखा, दैट इज MC Stan का पॉडकास्ट आ रहा है. प्रखर के प्रवचन नाम का कोई चैनल है अपेरेंटली. ये बंदा श्वेताप के स्क्रीन में ऐसा आता है, उधर इधर रहता था. मैं वेदांत की वीडियो देखता था, श्वेताप की वीडियो देखता था, ऑफकोर्स कापर है तो फिर ढूंढना पड़ता था ना. MC Stan का बहुत यूनिक पर्सनालिटी है, जैसे तुम जानते हो. वो बंदे के साथ इंटरव्यू करना या उसके साथ इंटरेक्ट करना उतना आसान नहीं है, बट प्रखर ने इतने इजीली ब्लेंड होके, ठीक है, प्रखर दिल्ली गए, MC Stan पुणे गए, MC Stan वहां पे माम माम बोल रहा है एंड प्रखर इज लाइक ये समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. मैंने बोला यार ये तो सही बंदा है यार, ये लिटरली कोशिश कर रहा है कि यार जो गेस्ट है मेरा उसको मैं समझू और उसका वो साइड बाहर निकालू, रादर देन जो बाकी लोग इंटरव्यू लेते हैं लाइक अभी राज जोन्स का हो गया. वो लोग कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछेंगे, उनको समझेगा भी नहीं कि यार MC Stan एक्चुअली क्या बोल रहा है. मैं काफी इंप्रेस हो गया था प्रखर के प्रवचन से. एंड देन मैंने देखा कि यार इसके 100K भी करा दिए MC Stan के फैंस ने. भाई तुम लोग क्रेजी हो यार, इतना तो मेरे को पता है. 100K से याद आया हमारा भी गोल है कि ये साल हम 100K हिट करें. एंड या इस महीने 10K हिट करना है, दैट्स द गोल. सो या फील फ्री टू सब्सक्राइब ऑल द बॉयज एंड लेडीज, यू नो. तो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक के तरफ, जॉब इंटरव्यू और इस सब का क्या संबंध है. मैं धीरे धीरे प्रखर के प्रवचन को देखने लगा, उसके तभी के वीडियोस को देखने लगा, ठीक है, फोर रूल्स सब पढ़ने लग गया. देखने लगा, मैंने बोला इंटरेस्टिंग, दिस गाय इज इंटरेस्टिंग, ठीक है. फिर एक लाइव स्ट्रीम अटेंड की मैंने, वहां पे मेरे को समझ में आया कि ये बंदा लिवरपूल सपोर्ट करता है. अब वहां मेरी गांड उदास हो गई क्योंकि मैं हूँ कट्टर मैन यूनाइटेड फैन. और तुम अगर फुटबॉल फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा भाई, एफए कप में मिडलसब्रो के साथ हार के बाहर हुए भाई. एंड वी हैव फकिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन आवर साइड. एनीवेज वो सब छोड़ो. तो इस खुन्नस की वजह से प्रखर को मैंने देखना बंद कर दिया. मैंने बोला ब्रो लिवरपूल सपोर्ट करता है, मैं नहीं देखने वाला. बट फिर भी ही केप्ट ऑन कमिंग इनटू माय सजेशंस लाइक अ फकिंग होर. मैंने कंटिन्यूअसली उसके वीडियोस फिर फॉलो करने लगे. क्या मेरे हिंदी को क्या हो रहा है, मैं कंटिन्यूअसली उसके वीडियोस को फॉलो करने लगा. हाँ बराबर. एंड देन इंस्टाग्राम पे मैंने बंदे को फॉलो किया, मैसेजेस किया कि ब्रो प्लीज मेरी मदद कर दे, मैं काफी कंफ्यूज हूँ कि यूट्यूब को लेके क्या करूँ, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब क्या करूँ मैं, घर वाले का प्रेशर है कि फाइनेंशियली तेरे को कुछ आता नहीं है यूट्यूब से. मैं उनको बता तो देता हूँ कि यार यूट्यूब की भी इनकम है, कैरी मिनाटी को देखो भाई, सौरभ जोशी को देखो, गाड़ी पे गाड़ी बदल रहा है वो बंदा, उसके छोटे भाई के लिए भाई स्क्रीन पूरा क्या बोलते हैं बड़ा बड़ा गेमिंग. मम्मी बोली ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, तेरे जो भी सेटअप ये बने हुए हैं ना वो बाप के पैसे से बने हुए हैं, तू नहीं लाया कोई यूट्यूब से. मैंने बोला ठीक है भाई बात तो सही है. तब मेरे को पता चला आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन के बारे में. आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन प्रखर के प्रवचन का एक कोर्स है, ठीक है. तुम लोग सोच रहे होगे भाई क्या मतलब तेरा कोर्स है, एक कोर्स की वजह से तेरे को जॉब मिल गया. वेट अ सेकंड, वो कोर्स मैंने खरीदा, मेरे पास जितना भी बचा कुचा पैसा था उसके ऊपर भी थोड़ा पैसा था, 1800 का या कुछ, मैंने वो कोर्स लिया. मैं धीरे धीरे वो कोर्स पढ़ने लग गया, धीरे धीरे मैंने वीडियोस चेक करी. भाई बंदे ने मेरे को जन्नत दिखा दिया, ठीक है. शाउट आउट टू प्रखर के प्रवचन, अगर तुम उसको नहीं देखते हो भाई तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में, फिर भाई तुम क्या कर रहे हो. नहीं नहीं माइक हटा, भोसड़ी वालों क्या कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया. एनीवे सभ्य रहने का था ये वीडियो में, आई ट्राइड माय बेस्ट. तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन में बेसिकली तुम्हें सिखाया जाता है कि कॉन्वर्जेशन करने का आर्ट क्या है, यही तो टाइटल है. तो उसमें मेरे को सिखाया कि एक बंदे के साथ या बंदी के साथ तुम जब एक कॉन्वर्जेशन करोगे तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है. उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं फुल्ली कवर नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोर्स है यार, मैं गलत कर दूंगा. बट यार काफी सारे डिफरेंट चीजें हैं उसमें, इंट्रोडक्शन खुद का कैसा करने का, तुम कैसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो, कैसे उसको एक लेवल पे लेके जा सकते हो. दिस ब्लोन माई माइंड एंड ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ, इतना मेरे को किसी ने ब्लो नहीं किया. तो हाँ ये सब देख के फुल कॉन्फिडेंट हो गया, मैं चला गया इंटरव्यू में. तो इंटरव्यू के 3 राउंड्स थे, इंटरव्यूज के 3 डिफरेंट लाइक और क्या बोलते हैं सर लोग या मैडम लोग जो भी है उन सबके साथ 3 डिफरेंट इंटरव्यू राउंड्स है पर्सनल जाके. उधर अंग्रेजी बोलनी है, बाकी सब लोग की फटी पड़ी थी, मैं कूल बैठा था. क्यों? क्योंकि मैंने AOC कर रखा था भाई, मैं रेडी था,
मैंने हर एक जो भी सर वहां पे है ना, सर या मैडम, उन सबको मैंने ऑब्जर्व कर लिया था और मैंने सोच रखा था मैं क्या बोलूंगा जाके। और जो तुम आगे सुनने वाले हो ना, ये बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी है, जाना नहीं, सुनो। तो पहला इंटरव्यू लिया मेरा एक सर ने, उस सर ने पहन रखा था आई गेस कोई पूमा का शू और पूरा स्टाइलिश था बंदा, एकदम जीन्स वीन्स पहन के। तो अकॉर्डिंग टू AOC उसमें प्रखर ने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्स देना बहुत ज्यादा मदद करता है टू एंगेज विद द पर्सन। एंड यू नो ये इंटरव्यू है, सबकी फटी पड़ी रहती है। मैंने घुसते ही बोला I'm really excited. This is my first interview. And by the way, you have a very good dressing sense. आपका शू बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बोला मैंने। And he was like, oh, thank you. And उधर ही मैंने क्रैक कर दिया भाई, उधर ही क्रैक कर दिया। मेरे को पता था अब ये जो भी पूछेगा भाई, मैं जो भी जवाब दे दूं, मैं तो सिलेक्टेड हूँ। मैं पूरा भाई पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड था। वो बंदे ने फिर मेरे को पूछा कि व्हाट डू यू डू, ठीक है, अदर देन दिस जो भी है, मैं फ्रेशर हूँ ना, तो तेरा क्या पैशन क्या है? मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ। मैंने बोला मैं हिप हॉप पे वीडियोज बनाता हूँ। उन्होंने बोला अच्छा देसी हिप हॉप पे, आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ देसी हिप हॉप। और पता है क्या निकला, वो इंटरव्यूअर MC स्टैन का कट्टर फैन था। MC स्टैन का कट्टर फैन, समझ रहे हो, और प्रोफेशनल मैग्नेट का सब्सक्राइबर था बंदा। और तभी हमारा पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, मैं प्रोफेशनल मैग्नेट एंड बेला के साथ। देखा, इंटरेस्ट पता चला, फिर हमने उसी के बारे में बात किया, कम्युनिकेशन स्किल्स वो सब मेरा सही हो गया। बंदे ने मेरे को टिप्स दिया कि आगे के इंटरव्यूज कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। दिस इज माइंड ब्लोइंग फॉर मी, ऐसा कुछ मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। अगला इंटरव्यूअर एक मैडम थी, उनको भी कॉम्प्लीमेंट करा मैंने, व्हाट्स योर नेम, अच्छा ये आपका नाम है, नाइस नेम। जाते जाते बोला हैव अ नाइस डे, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ये सब चीजें प्रखर ने सिखाई है भाई मेरे को, और भी है कोर्स में चीजें, बट मैं नहीं बताऊंगा। सो दिस इज हाउ आई गॉट अ जॉब। ये सारे इंटरव्यू पास होके आई एम इन स्मूथली इन विदाउट इवन यूजिंग लुब्रिकेंट। सो यार ये था मेरा एक स्टोरी टाइम टाइप वीडियो, पता नहीं तुम्हें कैसा लगा रहेगा, बट यार आई एम डूइंग ग्रेट। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना लिए, नेटवर्किंग अच्छी हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। या मैं भी तुम्हारे धरा भोंदू धब्बू जो भी है ऐसा पड़ा रहता था, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता था, बट दैट गाय रियली टॉट मी हाउ टू कम्युनिकेट। थैंक यू प्रखर के प्रोफेशन एंड थैंक यू MC स्टैन, इट वॉज लवली, मजा आ गया वीडियो बना के। सो या पीस आउट।